हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश यादव और मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 10th का बायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हटा दीजिएगा 27, 28, 29 को, यहाँ पे 1, 2 कर दीजिएगा। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को। कौन सा एंजाइम इम्लसीकृत वसा का पाचन करता है? इनमें से कौन सा एंजाइम इम्लसीकृत वसा का पाचन करता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पेप्सिन, पेप्सिन दिया हुआ है, ट्रेप्सिन दिया हुआ है, लाइपेज दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो लाइपेज होता है क्या करता है, इम्लसीकृत वसा का क्या करता है, पाचन करता है। वसा को जो पाचन करता है क्या होता है, वह लाइपेज होता है। लाइपेज नाम का यह एक एंजाइम है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। सॉरी, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सामान्य प्रकुंचन दाब होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए में देवा 80 mm, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, 120 mm और 130 mm। देखिए जो दाब होता है कितना होता है, जो दाब होता है उसे मापा जाता है mm में, याद रखिएगा। जो दाब होता है उसे क्या मापा जाता है, mm में मापा जाता है। जो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यह नहीं होगा। और बचा तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शन में चूज करना है कौन सा ही होगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन बचता है, 80 mm, 120 mm और 130 mm। अगर इसमें हम अगर राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसको जो हो जाएगा सी, सी जो होता है बिल्कुल एक सही होगा, यानी कि 120। देखिए एक होता है प्रकुंचन दाब, एक होगा प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन दाब हुआ एक, प्रकुंचन दाब 120 होता है, और एक होता है अनुशीतलन दाब। अनुशीतलन दाब कितना होता है, 80 mm होता है। कितना होता है, 80 mm, इसका होता है 120 mm। चलिए सेकंड थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्र द्वारा, इनमें से सभी। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर भोजन भेजने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, भोजन भेजने की बात कर रहा है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन पादप में किस, जो भोजन होता है क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है। भोजन जो पत्ती द्वारा जो भोजन बनता है वह क्या भेजा जाता है, फ्लोएम जो होता है, एक ऊतक होता है, फ्लोएम ऊतक होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, सभी पेड़ के सभी अंगों में भेजा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। कायिक प्रवर्धन मतलब आप लोग समझिए, जिसे काट करके हम दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। मान लीजिए देखिए, अगर गेहूं को अगर हम काट दें और उसको लगाएं कहीं पे ज़मीन में, तो वह क्या होगा, नहीं लगेगा, धान भी नहीं लगेगा। और जो होता है गुलाब, गुलाब क्या होता है, अगर इसे काट करके कहीं पे लगाया जाए, इसके अंग को किसी भी भाग को अगर काट के लगा दिया जाए, तो क्या होता है, लग जाता है किसी भी जगह पे, क्या होता है, वह लग जाता है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, गुलाब को काट दीजिएगा आधा से और उसे ज़मीन में गाड़ दीजिएगा, वह भी एक क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, वह भी एक पौधा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। काला जर बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? जो काला जर होता है वह क्या होता है, सॉरी, जो काला जर होता है वह होता है, काला जर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम, लेस्मानिया, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो लेस्मानिया जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काला जर के लिए लेस्मानिया, और जो जो मच्छर काटता है, जो मलेरिया होता है वह क्या होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। और
काला जर जो होता है वो क्या होता है, लेस्मानिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। निम्न में कौन द्विलिंगी पुष्पक है, निम्न में कौन द्विलिंगी पुष्पक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ गुलाब पुष्प, लौकी पुष्प, पपीता पुष्प, इनमें से कोई नहीं। अगर क्वेश्चन नंबर 32 के अगर राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल सही है, पपीता का पुष्प। पपीता में पुष्प देखे होंगे आप लोग, एक एक जो होता है फुलहर निकल जाता है, क्या होता है एक फरता है अच्छे से, उसमें फल लगते हैं, और दूसरा में क्या होता है उसमें पुष्प जो होता है फल नहीं निकलता है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, पपीता का पुष्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। मानव में ध्यान ग्राही स्थित होती है, मानव में ध्यान ग्राही स्थित होता है, वह यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आँखों में, नाकों में, कानों में, इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 33 का अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाकों में। क्या हो जाएगा, नाकों में क्या होता है ध्यान ग्राही स्थित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएँ नियंत्रण होती है, हमारी शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएँ नियंत्रण होती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है परम मस्तिष्क, मेडुला से, पोन से, अनुमस्तिष्क है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, यानी कि परम मस्तिष्क से। परम मस्तिष्क को क्या कहते, परम मस्तिष्क से ऐच्छिक क्रिया क्या होता है नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 की देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं, जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ पीयूष ग्रंथि, ऑटो ग्रंथि से, अधिवृषण से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यह हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, जो अनुवांशिकता का सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था वह क्या था, मेंडल। मेंडल जो थे अनुवांशिकता का क्या किए थे, सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को चलते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में जो होते हैं सिर्फ एक सेक्स होते हैं, क्या होते हैं एक सेक्स, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक सेक्स जो होता है यह सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, और जो मनुष्य में होता है, जो मतलब नर में होता है, नर में क्या होता है एक्स वाई होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव नवीनीकरण कचरा है, निम्नलिखित में से कौन जैव नवीनीकरण कचरा है। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक है, थर्मोकोल है, पॉलीथीन है, टिश्यू पेपर है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टिश्यू पेपर। यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन जैव नवीनीकरण कचरा नहीं है, कचरा नहीं है यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है दे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो चुका है। अगर नहीं लगा दें तो यहाँ पे टिश्यू पेपर हो जाएगा, अगर कचरा रहने दे तो थर्मोकोल प्लास्टिक सब क्या है, सब थर्मोकोल प्लास्टिक जो है ये सब है, और पॉलीथीन है, यह कचरा, यह तीनों कचरा है, यह तीनों क्या है कचरा है, और टिश्यू पेपर जो है कचरा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को चलते हैं। आहार तथा पानी, आहार तथा पानी किस राज्य के जल संग्रह व्यवस्था है। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया हुआ है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। अगर 39 के आंसर राइट की बात करें राइट आंसर की, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आहार और पानी जो होता है सिंचाई के लिए एक साधन है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बिहार। बिहार में इसका अधिक उपयोग किया जाता है आहार और पानी का खेती के सिंचाई के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 जो इसका क्वेश्चन मतलब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में कौन है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें से कोई नहीं। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर प्राकृतिक संसाधन को हम लोग को बचाना है तो उसका कम उपयोग करें, पुनः चक्रण यानी कि जब उपयोग कर लें तो उसको फिर उपयोग में लाने की कोशिश करें, और पुनः उपयोग उसका चक्रण भी करें, मतलब उस जो बिगड़ गया उसको सुधारे भी, और उसका जो मतलब उपयोग है उसको दोबारा से उपयोग में ला सके प्राकृतिक संसाधन को। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।